लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस टाइप से आपके पूरे के पूरे माउंटेन्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ओवर द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब मेंस पर्सपेक्टिव से इनकी लोकेशन वाइज तो एज सच कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं। अब अगर इनका मेंस पर्सपेक्टिव से आपको वो इंपॉर्टेंस देखना है या सिग्निफिकेंस देखना है तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि इनका एक्चुअली सिग्निफिकेंस है क्या। जैसा कि हम सभी जानते हैं सिक्किम, दिस स्टेट इज सिक्किम स्टेट एंड सिक्किम स्टेट इंडिया के बहुत अच्छी क्वालिटी के लिए टी का कल्टीवेशन करता है। अगर सिक्किम से टी का कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया की जो टी एक्सपोर्टिंग कंट्री की इमेज बनी हुई है वो केवल और केवल इसके कारण बनी हुई है। मतलब हम लोग इनिशियली देखना चाह रहे हैं कि हाउ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स आर अफेक्टेड बाई दीज माउंटेन रेंजेस। पहले इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपका सिक्किम स्टेट जो है वो इंडिया के लिए टी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की इमेज को बरकरार रखने में कामयाब हो पाता है। वहीं अगर आप थोड़ा सा वेस्टर्न साइड में बढ़ते हैं तो स्टेट आते हैं लाइक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। इन स्टेट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बेस्ट वेराइटी ऑफ फ्रूट्स, प्लस जैसा कि आप लोग जानते हैं हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर के एप्पल्स वर्ल्ड फेमस हैं, राइट। एंड इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर मेडिकेटेड प्लांट्स का कल्टीवेशन बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में किया जाता है क्योंकि यहाँ पर वो सारी की सारी आइडियल कंडीशंस मिलती हैं जिसके कारण मेडिकेटेड प्लांट्स आपके ग्रो कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो आपका था कुछ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ओवर इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ दीज माउंटेन रेंजेस। अब अगर इन्हीं के आप सोशल एस्पेक्ट्स की बात करें तो सोशल एस्पेक्ट्स में यहाँ पर जो भी आपका सेटलमेंट होता है वो थोड़ा सा रेयर होता है। रेयर होने के कारण जो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में इंक्रीज होती है तो वहां पर उतनी पॉपुलेशन डेंसिटी कम होने के कारण ओवरऑल पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की अपने आप थोड़ी सी डिक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर सोशल एस्पेक्ट में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट ये निकल करके आएगा कि इन स्टेट्स में जो कल्चर अवेलेबल है आप धीरे धीरे वो कल्चर वर्ल्ड की वेरियस कंट्रीज अडॉप्ट करती चली जा रही हैं। मतलब इनका सोशल एस्पेक्ट इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लगा है इन दिनों में कि दूसरी कंट्रीज भी कल्चरल टूरिज्म के लिए यहाँ पर माइग्रेट, कंट्री के लोग जो हैं वो यहाँ पर कल्चरल टूरिज्म के लिए माइग्रेट करना स्टार्ट कर चुके हैं। नाउ अब अगर थोड़ा सा आप देखा जाए एक और सोशल एस्पेक्ट कि इन माउंटेन रेंजेस की, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर वन ऑफ द टॉप मोस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड जो कि 19 आउट ऑफ द 10 यहीं पर अवेलेबल है केवल इन माउंटेन रेंजेस में। अगर इन माउंटेन रेंजेस में इतनी सारी पीक्स अवेलेबल है तो डेफिनेटली एक बात तो आपके मन में आती ही होगी कि यहाँ से जितना भी फॉरेन इन्वेजर हो सकता था वो थोड़ा सा कम हो जाता है। प्लस इन माउंटेन रेंजेस की अगर बात की जाए तो जब इंडिया के क्लाइमेट पर हम लोग आएंगे तो आप देख पाएंगे कि ये क्लाइमेट को इफेक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर ये इतने ज्यादा हेल्पफुल है क्लाइमेट को इफेक्ट करने में तो इन शॉर्ट जितनी भी एग्रीगेरियन इकोनॉमी इंडिया की डील करती है वो केवल इन्हीं माउंटेन रेंजेस के कारण कर पाती है और जिससे हमारी इंडिया की पूरी एग्रीगेरियन इकोनॉमी को इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। प्लस फॉरेन इन्वेजन तो एक साइड है ही है। अब अगर दूसरी बात की जाए इनकी कि इनके कॉन्स क्या हो सकते हैं जिनके कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा समस्याएं देखने को मिल जाती हैं माउंटेन रेंजेस में, तो इनके कॉन्स में हम लोग अगर देखना चाहें तो इनके कॉन्स में आपकी कई सारी चीजें निकल करके आएंगी। फॉर से कि आप लोगों को जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कशन में लिया कि भाई ये आपके फॉरेन इन्वेजन को प्रिवेंट करता है, फॉरेन इन्वेजन को प्रिवेंट करता है, लेकिन आपके माइंड में तुरंत एक बात आ जाती है कि जम्मू एंड कश्मीर से ही सबसे ज्यादा टेररिज्म एंटर करता है इंडिया के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। अब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखेंगे तो आप यहाँ पर कुछ देख पाएंगे। प्लस इसी के साथ साथ यहाँ पर इंडिया का एक पार्ट हुआ करता था पहले कभी, अब नहीं है, दैट कंट्री इज कॉल्ड एज पाकिस्तान। पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि उनकी कल्चरल सिमिलैरिटी कश्मीर के साथ बहुत ज्यादा है, दैट्स व्हाई ये कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेता है पाकिस्तान अपनी मेंटालिटी के बिहाव पर। जब मेंटालिटी के बिहाव पर पाकिस्तान के साथ ये इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो इन माउंटेन रेंजेस में
सोल्जर्स के लिए बहुत ही ज्यादा हार्श कंडीशंस होती हैं। दैट्स व्हाई सर्दियों के टाइम में या फिर गर्मियों के टाइम में जब वेदर डिस्टर्बेंसेस होते हैं तो उस सिचुएशन में सोल्जर्स को वापस कॉल कर लिया जाता है, पीछे बुला लिया जाता है, जिसके कारण जितना भी टेररिज्म है वो उस टाइम से टेररिस्ट यहीं पर से एंटर कर पाते हैं और कोई भी कंडीशंस नहीं बनती हैं इन माउंटेन रेंजेस के अलावा जहां पर हमारी आर्मी के लिए बहुत ज्यादा हार्श कंडीशंस हो। तो ये तो थी आपकी कुछ मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, जबकि अभी हमने इसे डिटेल में डिस्कशन में नहीं लिया है। हम लोगों का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अभी 17th of June 2017 दैट इज प्रिलिमिनरी एग्जाम ऑफ यूपीएससी के लिए रहेगा। उसके जैसे ही बाद मींस तब तक हम लोग सारे सब्जेक्ट कवर कर चुके होंगे एंड एट लास्ट हम लोग डायरेक्टली मूव कर जाएंगे इन्हीं सबके मींस पर्सपेक्टिव के क्वेश्चंस को जो बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ अब हम लोग बात करना चाह रहे हैं फेमस पासेस इन माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पर इतने हाई माउंटेन रेंजेस अवेलेबल थी तो जिसके कारण हुआ ये कि यहाँ से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रैवल करना बहुत ज्यादा हार्श होकर चला जा रहा था और उसके कारण अब या तो गवर्नमेंट ने कुछ आर्टिफिशियल यहाँ पर बना दिए गए हैं पासेस या फिर आपके कुछ ऑलरेडी से पहले से ही यहाँ पर जो पासेस थे वो अवेलेबल हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की तो देखिएगा पहला पास इस कॉल्ड एज काराकोरम जो कि आपका काराकोरम रेंज में ही सिचुएटेड है। सेकंड पास इज कॉल्ड एज खारदुंगला जो आपका लद्दाख सीरीज में आएगा और जो लेह से लद्दाख को डायरेक्टली कनेक्ट करेगा प्लस लेह के साथ लद्दाख को कनेक्ट करता है और इस रोड को बनाया है आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एब्रीविएटेड एज BRO। BRO ने जो बनाया है इस रोड को दैट इज द हाईएस्ट मोटरेबल रोड ऑफ द इंडिया, राइट। नाउ अब जो जिला की बात की जाए तो ये खारदुंगला के जस्ट सदर्न पार्ट में आता है बट एट द लोअर पोर्शन ऑफ जांसकर सीरीज। नाउ नेक्स्ट वन पासेस आर बुर्जिला एंड बनिहाल। बुर्जिला एंड बनिहाल की बात की जाए तो बुर्जिला तो आपका डायरेक्टली पीर पंजाल रेंज का पार्ट है जबकि बनिहाल आपका कनेक्ट करता है इनर हिमालय से रेस्ट ऑफ कश्मीर वैली को। यहां पर इंडिया की सबसे लार्जेस्ट टनल बनाई गई है या फिर कहिए सबसे लॉन्गेस्ट टनल बनाई गई है जिसकी टोटल लेंथ नियर अबाउट 14 किलोमीटर है एंड ये अपने आप में एक यूनिक टनल है। यूनिक टनल मैंने इसको इसलिए बोला क्योंकि इसे आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट में ही प्रपोजल आया था जिसके कारण इसको बना दिया गया ऑल पास ऑल वेदर पास। मींस आप चाहे गर्मियों का टाइम हो चाहे सर्दियों का टाइम हो इवन कोई भी कितनी भी हार्श कंडीशंस हो बट आप यहां से ट्रैवल्स कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ऑल वेदर पास। और यहां पर बनी हुई है आपकी जवाहर टनल। अब जवाहर टनल के बाद एक इंपॉर्टेंट पास और बचता है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का दैट इज कॉल्ड एज चांगला। चांगला पास इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स इसी के आसपास से इंडिया में एंटर करती हैं जो कि आपका मानसरोवर लेक के पास से ओरिजिनेट होते हैं चाहे फिर वो सतलुज हो या फिर इंडस रिवर हो। ये चांगला पास के आसपास से ही एंटर कर पाती हैं इंडिया में। सो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की एक बार सभी के पास सभी पासेस को फिर से देखते हैं। फर्स्ट वन काराकोरम, खारदुंगला, जोजिला, बुर्जिला, बनिहाल एंड चांगला, राइट। तो कितने पासेस निकल करके आगे टोटल 6 पासेस आर अवेलेबल इन जम्मू एंड कश्मीर विच आर क्वाइट फेमस। इसके अलावा भी कई सारे छोटे छोटे पासेस हैं जो आपके लिए यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उन्हें हम लोग इतना ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेट इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में केवल 2 पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज चिपकिला, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज रोहतांग पास। जबकि बात की जाए अगर यहीं पर शिपकिला पास की और रोहतांग पास की तो रोहतांग पास इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपको रोहतांग के टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर बहुत इजीली पहुंचा पाता है। जबकि अगर बात करते हैं शिपकिला की तो शिपकिला आपके कुछ अगेन इंपॉर्टेंट रिवर्स लाइक सतलुज को अगेन एक पास प्रोवाइड करा पाती है इंडिया में एंटर करने के लिए। दैट्स व्हाई शिपकिला पास इज अगेन इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट वन आपका स्टेट आता है उत्तराखंड और उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट पासेज है थागला, माना, नीति, लिपुलेख। ये इसी ऑर्डर में आपको याद करने हैं क्योंकि यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी स्पेशली उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन पासेस को वेस्ट टू ईस्ट या फिर ईस्ट टू वेस्ट
आस्क करता है, तो फिर से एक बार देखेंगे, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट दैट इज थागला माना नीति लिपुलेख, राइट। नाउ अब मूव टू द नेक्स्ट स्टेट दैट इज कॉल्ड एज सिक्किम स्टेट, टी स्टेट ऑफ इंडिया। यहां पर दो इंपॉर्टेंट पास है, नाथुला जेलेपला, जबकि यहीं पर अगर आप अरुणाचल प्रदेश में एंटर करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश के चार पासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज बुंदला, बोंडिला, तुंगला एंड नामछा बारवा, राइट। तो इस सिचुएशन में आप देखिए इनसे क्वेश्चंस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में किस टाइप से बन सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो हो सकता है MLT टाइप, दैट इज मैच लिस्ट टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको लिस्ट वन एक तरफ दे दी जाएगी और लिस्ट टू सेकंड साइड पर होगा। इधर लिस्ट वन में आपके कुछ स्टेट्स के नाम होंगे और यहां पर कुछ पासेस के नाम होंगे और वाइस वर्सा। तो इस सिचुएशन में जब यहां पर आपको कुछ पासेस दे दिए जाएंगे तो आपको ऑप्शंस में उनको मैच करके देखना पड़ेगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि यूपीएससी थोड़ा सा अजीबोगरीब टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेता है कि आपको जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के सभी पासेस दे देगा, बोलेगा अरेंज दीज पासेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ। तो याद रखेंगे सबसे पहला काराकोरम, खारदुंगला, जोजिला, बुरजिला, बनिहाल, देन चांगला। क्या है करेक्ट सीक्वेंस? काराकोरम, खारदुंगला, जोजिला, बुरजिला, बनिहाल एंड चांगला। अगर साउथ टू नॉर्थ देखेंगे चांगला, बनिहाल, बुरजिला, जोजिला, खारदुंगला एंड काराकोरम। जबकि आपको जब भी उत्तराखंड स्टेट के पूछे जाएंगे तो उत्तराखंड स्टेट के लिए एक पॉसिबिलिटी केवल एक है, या तो वेस्ट टू ईस्ट आस्क करेगा या ईस्ट टू वेस्ट आस्क करेगा। तो इनको फिर से एक बार देखते हैं, वेस्ट टू ईस्ट पहले देखेंगे थागला माना नीति लिपुलेख। अब अगर ईस्ट टू वेस्ट इसी को अरेंज करना हो तो लिपुलेख, नीति, माना, थागला। जबकि सिक्किम के अगर आप पासिस देखेंगे तो नाथुला जेलेपला, तो इस टाइप का क्वेश्चन यहां से पॉसिबल है नहीं। अब अगर अरुणाचल प्रदेश पर आते हैं तो बुंगला, बोंडिला, तुंगा एंड नामछा बारवा, तुंगा या फिर तुंगला, व्हाटएवर यू वांट टू से यू कैन। तो उस सिचुएशन में फिर से एक बार देखेंगे नामछा बारवा, तुंगला, बोंडिला, बुंगला। अब यहां पर नामछा बारवा पास का अपना अलग ही सिग्निफिकेंस इसलिए निकल करके आता है क्योंकि यहां पर नामछा बारवा एक ऐसा पास है जहां से ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में एंटर करती है आफ्टर मेकिंग अ पिन बेंड लाइक स्ट्रक्चर। पिन बेंड लाइक स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो 2013 में यूपीएससी ने क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रेम किया था, तो उस सिचुएशन में आपको पता होना चाहिए कि नामछा बारवा पास किस स्टेट में लाई करेगा, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। एक बार सभी पासेस को फिर से देखते हैं, काराकोरम, खारदुंगला, जोजिला, बुरजिला, बनिहाल और चांगला इज इन द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, सिपकिला एंड रोहतांग इन हिमाचल प्रदेश, थागला माना नीति लिपुलेख इन उत्तराखंड, नाथुला जेलेपला इन सिक्किम, बुंदला, बोंडिला, तुंगा एंड नामछा बारवा इज इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। थैंक यू।